अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदी। आज मैं आपके साथ कोलकाता स्ट्रीट फूड पनीर रोल, एग रोल, चिकन रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सबसे ख़ास बात इस शॉप की ये है कि यहाँ पर जितनी भी तरह की रोल की वराइटीज़ है, सारे रोल में चीज़ ऐड किया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का जायका है। एक बार आप आकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस दुकान के ऑनर है मोहम्मद शमशाद भाई, जो अपनी रेसिपीज हम सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जियों को काटा जा रहा है, पहले से कट करके रखा जाता है। सबसे पहले सब्जियों को वॉश किया जाता है, उसके बाद इस तरह से कटिंग की जाती है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, सब चीज़ अच्छे से कट रही है। भाई क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ये रोल का सलाद बन रहा है। अच्छा, रोल का। हाँ, ये चिकन और वेज नॉन वेज दोनों में काम आ जाएगा। हाँ, ये सब पहले से तैयारी किया जा रहा है? पहले से तैयारी किया जाता है, जो कस्टमर मांगता है देना पड़ता है, कितना है जो प्याज खाली खाता है, ऑनियन खाता है, कितना है जो खाली आपका खीरा खाता है। क्या नाम है भाई आपका? इंजी शमशाद। अच्छा, मोहम्मद शमशाद। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा गया है। बहुत बड़ा शॉप नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा सफाई है यहाँ पर, आप खुद देख रहे होंगे। और पहले से यहाँ पर पनीर टिक्का और चिकन टिक्का को तैयार कर लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको कितनी देर पहले गोंद के रखे हैं मैदा को? डेढ़ घंटा पहले। आपका क्या नाम है भाई? दीपक। दीपक नाम है तो भाई, दूध है, चीनी है, रिफाइंड तेल है, नमक है, नमक ये सब मिलाकर इसको डेढ़ घंटा पहले से भिंगा के रख दिए, भून के रख दिए। खोले फिर मैदा सान दी, सान के आधा घंटा छोड़ दो, फिर माथा नरम हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको लट्टू पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, फिर उसको लच्छा की तरह बना के इस तरह से वहाँ पर इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे। उसको दिखला दीजिए थोड़ा, खोल दीजिए। अच्छा, इस तरह से करके रख दिए। कितना देर पहले से रखा हुआ इस तरह से? कम से कम आधा घंटा आगे रखना। आधा घंटा रखना होगा। एक साथ बना सकते हैं, जैसे जो जैसा जो पनीर मांगा उसको पनीर दिए, चिकन मांगा चिकन दिए, मटन मांगा मटन दिए, वेज मांगा वेज दिए, एग रोल मांगा एग रोल दिए। आपका परोठा रेडी है? यहाँ पे पराठा तैयार हो चुका है। ये पनीर है भाई? हाँ। तो पनीर रोल बनाने में इसको यूज किया जाता है ना? जी। और ये चिकन? ये चिकन है। ये चिकन है, चिकन कबाब पे मिलेगा चीज वाला सामने। तो इसको आप लोग कैसे तैयार किए? मसाला भूनकर छोटा छोटा पीस कर। अच्छा, आप लोगों का शॉप कितने बजे से ओपन होता है? सुबह हम लोग का 7 बजे से लेके आपका 12:30 बजे तक चलता है। अच्छा, घूमने का ऑर्डर चलता है ये वाला आइटम, उसके बाद आपका 1 बजे के बाद से ये वाला चलता है, रोल है, चिकन रोल, पनीर रोल। और शाम में? शाम में फिर आपको जैसे चलता है, शाम में 5 बजे से पूरा 9-10 बजे तक। आज उल्टा लगा दिया। ये पनीर रोल है। आपका डला रहा
80 लोगों की पर फिरा जा रहा है। यहाँ पर धनिया पत्ता यहाँ पर लेमन हो गया ये पत्ती चाट मसाला नहीं यहाँ पर चिली सॉस है ये टमाटर केचप है। बात तो सही है, एक बार नहीं मिलेगा से तो जान नहीं मारेगा। ये कसुंदी है मस्टर्ड सॉस के बारे में बाद में क्या है मस्टर्ड सॉस इसको अच्छा, सोया सॉस भी बोल सकते हैं आप। इसलिए इतना टेस्टी होते हैं आपका जो रोल जितने भी बनाते हैं इसलिए टेस्टी होता है। तो आप देख रहे हो घर पर कितना आसान है पनीर रोल चिकन रोल बनाना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तवा गर्म किया जाता है, उसके ऊपर तेल डाला जाता है, जब तेल गर्म हो जाता है तब पराठा तैयार किया जाता है। और ये बन रहा है अंडा रोल। तो यहाँ पर देखिए पराठा को बनाया जा रहा है और यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आप चाहे तो इन्हें शादी में भी हायर कर सकते हैं, ये ऑर्डर भी लेते हैं बाहर का। आपको सबसे पहले मैदा जो है अच्छे से छानकर उसमें चीनी नमक अंडा दूध पानी से अच्छे से गूंथ के रखना है आधा घंटा, उसके बाद इस पराठे को तैयार करना है, तब पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंडा रोल तैयार किया जा रहा है, आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस दुकान के जो ऑनर है शमशाद भाई, इनका फ़ोन नंबर ये है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। जिस प्रोसेस में पनीर रोल तैयार किया गया बिल्कुल उसी प्रोसेस में यहाँ पर चिकन रोल भी तैयार किया जा रहा है। और सबसे ख़ास बात इस दुकान का मुझे ये लगा कि यहाँ पर सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है और जितने भी यहाँ पर वैराइटीज़ मिलते हैं काफ़ी टेस्टी होते हैं, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार आप खाएंगे तो आप यहाँ के फ़ैन हो जाएंगे, आप बार बार यहाँ पर आएंगे। तो जैसे मैंने कहा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फ़ोन नंबर तो आपको मिल ही गया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फ़ोन नंबर दे दूंगी शमशाद भाई का, एक बार यहाँ आकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ रोल में चीज़ ऐड किया जाता है इसलिए इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दो टाइम यहाँ पर नाश्ता मिलता है सुबह और शाम। ये क्या भाई चिकन कबाब ले ले। तो यहाँ पर एक चिकन रोल तैयार किया जा रहा है विद चीज़। और बहुत सारे कोलकाता स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर मैं अभी नहीं कर पाई तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं कोलकाता आऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले जितनी रेसिपीज़ है आप इसे इंजॉय कीजिए, बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी रहेगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, कोलकाता के शादी वाले बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी, जैसे कोलकाता चिकन बिरयानी, कोलकाता स्टाइल घोल, बिरयानी मसाला और कश्मीरी चिकन, चिकन पकौड़ा, चिकन सेजवान पकौड़ा, मटर कचौड़ी, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर रोल बन के तैयार हो चुका है और कस्टमर बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। अभी आप कौन सा रोल लिए हैं भाई? चीज़ एक चिकन रोल। एक चीज़ कैसा इसका टेस्ट है? बहुत बढ़िया है। अच्छा टेस्ट है। और आप हमें यहाँ पे हमेशा आते हैं, कभी कभी आते हैं? हमेशा आते हैं। और आते हैं तो यहाँ पर ये आप रोल खाते हैं? ये मस्त खाते हैं। अच्छा है, मस्त है। चलिए थैंक यू।